आपको भी टाइट का भाई एटीएम कार्ड डिलीवर हो चुका है और भाई आपको अपने उस एटीएम कार्ड का पिन बनाना, तो आप कैसे बना पाएंगे इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करिए और आपको सारा कुछ समझ जाए। यहाँ पे आपको लाइव स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताने वाला, मैं खुद अपना एटीएम कार्ड का पिन बनाऊंगा, मुझे डिलीवर हो चुका है और भाई आप भी इजीली अपने एटीएम कार्ड का पिन बना पाएंगे। और भाई अगर आपने टाइट अकाउंट में कुछ पैसे यहाँ पे ऐड किए हैं, उस पैसे को भाई आपको निकालना, तो आप घर बैठे अपने फोन की मदद से उस पैसे को कैसे निकाल पाएंगे, इसके लिए मैं प्रॉपर वीडियो बना चुका हूँ। आप टाइट अकाउंट के पैसे को डायरेक्टली बैंक अकाउंट में कैसे ट्रांसफर कर पाएंगे, वो भी 0% चार्ज में, इस वीडियो को लास्ट में वीडियो दे दूंगा, वो वाली वीडियो देख के भाई इजीली अपने टाइट अकाउंट के पैसे को भाई बैंक अकाउंट ट्रांसफर करवाऊंगा, वो भी 0% चार्ज में। अब चलिए मैं बात करने वाला हूँ कैसे भाई आपको अपने टाइट अकाउंट के एटीएम कार्ड का पिन बनाना है। उससे पहले अपना वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मेरे चैनल पे इस तरह इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहती। चलिए फोन में चल रहा हूँ, मैं आपको सारा कुछ लाइव स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करके दिखाने वाला हूँ। चलिए यहाँ पे चल रहा हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं टाइड एटीएम कार्ड मुझे यहाँ पे डिलीवर हो चुका है। इसे ओपन करेंगे जैसे तो आपको एक यहाँ पे देख सकते हैं आपको ये कार्ड मिलेगा, इसके अंदर कार्ड है भाई, कार्ड देखेंगे यूनिक है ठीक। जैसे आप मैं ओपन कर रहा हूँ कार्ड को, यहाँ पे देखिएगा सारा कुछ ठीक है। यहाँ पे देख, जैसे मैं ओपन कर रहा हूँ यहाँ पे कार्ड निकल रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं, मतलब कुछ यूनिक है भाई, कुछ यूनिक बना के उन्होंने दिया है। यहाँ पे देख सकते इसका लिफाफा जो है ठीक, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जैसे आप कार्ड निकालेंगे तो कुछ इस तरह आपको कार्ड मिलेगा, यहाँ पे देख सकते हैं। और इसके पीछे भाई आपको कार्ड का नंबर वगैरह सारा कुछ यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा ठीक, जो मैं ब्लर कर दिया हूँ देख सकते हैं ठीक। यहाँ पे अब इस कार्ड को मैं एक्टिवेट करूंगा, पहले एक्टिवेट कर लूंगा फिर उसके बाद भाई इसका पिन बनाऊंगा, तो उसके लिए भाई फोन की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे देख सकते हैं, तो आपको एप्लीकेशन पे यहाँ पे जाना पड़ेगा ठीक। यहाँ पे मैं टाइड एप्लीकेशन पे जा रहा हूँ, आपको भी अपने टाइड एप्लीकेशन पे आ जाना है ठीक, जैसे मैं जा रहा हूँ आपको भी आ जाना है ठीक। जैसे आप इस एप्लीकेशन पे आएंगे तो आपको लॉगिन वगैरह सारा कुछ कर लेना, लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे, अपना फिंगर वगैरह सारा कुछ लगा लेंगे, लॉगिन कर लेंगे ठीक। जैसे आप लॉगिन कर लेंगे तो भाई उसका तो आपको थोड़ा वेट करना है, इसका कुछ इंटरफेस इस तरह का है ठीक। यहाँ पे आप होम पेज पे आएंगे, जैसे भाई होम पेज पे आएंगे यहाँ पे आपको कार्ड का ऑप्शन शो कर रहा, आपको ना कार्ड के ऊपर क्लिक करना, आप इस पे कार्ड के ऊपर क्लिक कर लेंगे। जैसे आप कार्ड के ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पे देखते हैं आपका टाइट कार्ड, इस पे क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे अब यहाँ पे स्टार मार्क शो कर रहा और यहाँ भाई एक्टिवेट शो कर रहा है, यहाँ पे सारा कुछ देख सकते हैं। अब कहना है आप एक्टिवेट के ऊपर आपको क्लिक करना, आप इस पे क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे यहाँ पे देख सकते हैं इंटर द लास्ट 4 डिजिट ऑफ योर 16 डिजिट कार्ड नंबर, जो भाई आपका एटीएम डिलीवर हुआ उस कार्ड नंबर में भाई पीछे का यहाँ पे देख सकते हैं पीछे लिखा होगा यहाँ पे भाई लास्ट का आपको 4 डिजिट फिलअप करना है, लास्ट का ठीक, लास्ट करना कि आपको फर्स्ट का ठीक। यहाँ पे लास्ट का अपना 4 डिजिट फिलअप कर लेंगे, यहाँ पे जैसे मैं फिलअप कर रहा हूँ आपको भी अपना लास्ट का 4 डिजिट यहाँ पे फिलअप करना है ठीक। जैसे मैं फिलअप कर लिया आपको भी फिलअप करना है लेना है, उसके बाद भाई आपको एक्टिवेट कार्ड इस पे क्लिक करना, आप इस पे क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे आपको अपना फिंगर फिर से लगाना पड़ेगा, अगर आपके फोन फिंगर होगा नहीं तो अपना पिन यहाँ पे डालना होगा ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं योर कार्ड इज एक्टिवेट, आपका कार्ड भाई अभी एक्टिवेट हो चुका है, अभी भाई आपने पिन नहीं बनाया, अब भाई आपको अपना यहाँ पे पिन बनाना पड़ेगा। यहाँ पे सेट पिन एंड यहाँ पे परमिशन, आपको पिन बना के कुछ आपको परमिशन यहाँ पे देना पड़ेगा, यहाँ पे सेट पिन के ऊपर आपको इस पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे यहाँ पे देख सकते हैं आपका कार्ड नंबर का लास्ट का 4 डिजिट शो कर जाएगा। अब भाई आपको पिन बनाना, तो अगर पिन बनाने से पहले आप ये समझ लीजिए, जैसे भाई आपको अपने कार्ड का पैसा निकालना तो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन आपको इनेबल करना होगा। यहाँ पे देख सकते इन स्टोर पेमेंट भाई इनेबल है, यहाँ पे देख सकते हैं, और यहाँ पे देख ऑनलाइन आपको यहाँ पे देख ऑनलाइन पेमेंट ऑफ है तो इसे ऑन कर लीजिएगा। जैसे आप फ्लिपकार्ट अमेजोन पे कहीं भी आप इस कार्ड को यूज करेंगे, यहाँ पे ऑनलाइन कहीं भी आप यूज करते हो भाई इसे आपको ऑन करना पड़ेगा, तभी आप यूज कर पाएंगे। और एटीएम लिमिट यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मंथली विड्रॉल लिमिट यहाँ पे 10,000 देख सकते हैं फ्री, और फिर उसके बाद पर विड्रॉल आपको 28 रुपए यहाँ पे देना पड़ेगा और जीएसटी यहाँ पे ऐड की जाएगी। अगर भाई आपको एटीएम विड्रॉल इनेबल करना तब इसे इनेबल कर सकते हैं, इस पे क्लिक करके भाई अपना एटीएम विड्रॉल आप इनेबल कर लेंगे। मैं भाई अभी फिलहाल बंद कर रहा हूँ, यहाँ पे ये सभी मैं यहाँ पे बंद कर रहा हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं स्टोर भी यहाँ पे स्टोर ही चालू रहने देता हूँ, और ये मैं ऑनलाइन पेमेंट ये सारा कुछ बंद रखता हूँ। आप भी बंद रखिएगा, जब भाई आपको जरूरत हो तो भाई आप ऑनलाइन पेमेंट यहाँ पे इनेबल कर सकते हैं। देखिए ऑनलाइन पेमेंट से भाई फ्रॉड के चांस बढ़ जाते हैं, भाई कोई आपका एटीएम कार्ड पा गया तो उससे फ्रॉड हो जाएगा, तो आपको ऑनलाइन पेमेंट यहाँ पे इनेबल नहीं करना ठीक। यहाँ पे करना तो कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। फिर आपको भाई आपको पिन सेट करना, पिन सेट करने के लिए सेट पिन का आपको ऑप्शन शो कर आपका इस पे क्लिक करना, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आपका कार्ड एक्टिवेट होगा, अभी भाई आपका पिन यहाँ पे सेट नहीं हुआ। अब भाई यहाँ पे देख सकते हैं इंटर लास्ट 6 डिजिट कार्ड नंबर, अब भाई आपको अपने एटीएम कार्ड का जो भी 16 अंक का नंबर है उसका लास्ट का भाई आपको 6 डिजिट आपको है फिलअप करना है, और भाई जो भी आपकी एक्सपायरी डेट है वो सारा कुछ आप फिलअप कर लेंगे। चलिए ये दोनों में अपना फिलअप कर ले, फिर उसका अपना वेरीफाई कार्ड डिटेल्स पे क्लिक करना, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे अब यहाँ पे देखिए आपको अलाउ ऊपर क्लिक करना है, ओटीपी आएगा,
ओटीपी भाई आपको फिलअप कर, यहाँ पे भाई आपके फोन में जो भी ओटीपी है ओटीपी फिलअप करना, और भाई आपको अपना यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ फिलअप करना है। अब भाई जो भी आपको पिन बनाना, आपको अपने एटीएम कार्ड का पिन बनाना जिससे आप भाई एटीएम से पैसे विड्रॉल कर पाएंगे, वही पिन आपको बनाना है। फिर आप कन्फर्म पिन दोबारा से भाई आपको यहाँ पे पिन बनाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको देखिए न्यू पिन और कन्फर्म पिन, वही सेम पिन आपको फिलअप करना है। फिर अपना कन्फर्म पिन के ऊपर आपको क्लिक करना, आप इस पर क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करें यहाँ पे देख सकते हैं पिन सेट सक्सेसफुल, आपका भाई यहाँ पे पिन यहाँ पे सेट सक्सेसफुल यहाँ पे हो जाएगा। अब आपको भाई यहाँ पे थोड़ा वेट करना है। अब आपको भाई यहाँ पे बैक नहीं आना, बैक कुछ भी आपको छेड़खानी यहाँ पे नहीं करनी है, ठीक है। यहाँ पे आपको सारा कुछ प्रोसेस कंप्लीट किया जा रहा है। यहाँ पे नेटवर्क की प्रॉब्लम का थोड़ा यहाँ पे डिले चल रहा है, लेकिन आपका यहाँ पे सारा कुछ प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट कर दिया जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं आपको कुछ भी छेड़खानी नहीं करनी, जैसा प्रोसेस है वैसे प्रोसेस यहाँ पे आपको होने देना है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं अब भाई इस पैसे को आपको विड्रॉल करना, इसके लिए भाई आपको प्रॉपर यहाँ पे वीडियो मिल रही, वो वाली वीडियो भाई क्लिक करके देख सकते हैं और भाई इस पैसे को विड्रॉल कर पाएंगे। और भाई इसमें आपको ऑफर कई सारे चलते हैं, रिवार्ड का ऑप्शन शो कर रहा है। यहाँ एक ऑफर चल रहा है यहाँ पे माइलस्टोन का, ये माइलस्टोन मैं कंप्लीट करता हूँ भाई इतना इतना मुझे यहाँ पे कैशबैक मिलेगा। अगर आपको डिटेल्स में वीडियो चाहिए आप कमेंट करिए कैसे आपको माइलस्टोन कंप्लीट करना है, कैसे भाई इन ऑफर का आपको कैशबैक लूटना है, मैं आपको सारा कुछ डिटेल्स में कवर किया हूँ।